Hello students, welcome to Lab Public School. Today we will discuss our GK chapter, chapter number 29. Chapter name is From the Classics, okay? So have you heard about these great classic books? Okay, classic is a school subject that involves study of ancient literature, history or philosophy, okay? So today we will discuss about some great classics. So let's start. The Arabian Nights, also known as the 1001 Nights, it is a collection of stories. Stories about Aladdin, Ali Baba, and Sinbad all come from this collection. Second one is The Prince and the Pauper tells the story of two boys, Tom Canty and Prince Edward. Both of them are identical in looks. Now, third is Robinson Crusoe is an amazing story of a sailor whose ship was destroyed in a storm. Cruz was the only survivor. He found himself on an island with no human being in sight. He survived for 28 years on this island living alone. Okay, जो रॉबिन्सन क्रूज की स्टोरीज हैं, इसमें हम एक अमेजिंग स्टोरी है, बहुत ही इसमें एक सेलर की स्टोरी है जिसका कि शिप जो है स्टॉर्म से डिस्ट्रॉय हो जाता है. उसके बाद क्रूज एक ओनली सिंगल सर्वाइवर बनते हैं जो कि एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और वहां पर कोई भी अनदर जो ह्यूमन बींग्स है वो नहीं होता है. वो 28 ईयर तक अकेले ही वो उस आइलैंड पर सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट इज द स्टोरी अलाइस इन वंडरलैंड इज बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन ऑफ अलाइस अ लिटिल गर्ल. इन द वंडरलैंड शी एंजॉयज टी पार्टीज एंड डिफरेंट बींग्स. ओके, अलाइस इन वंडरलैंड जो है, जो एक लिटिल गर्ल की स्टोरी है जिसका नेम है अलाइस, और वो अपनी ही इमेजिनेशन करती है कि वो इस तरह की एक वंडरलैंड में गई है एंड इस तरह से इंजॉय कर रही है. तो वहां पर वो डिफरेंट पार्टीज और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स को इंजॉय करती है. नेक्स्ट वन इज ब्लैक ब्यूटी इज अ स्टोरी अबाउट अ वेरी जेंटल हॉर्स. इट इज हैंडसम इन इट्स लुक्स एंड हैव अ स्वीट टेंपर. द स्टोरी ऑफ ब्लैक ब्यूटी रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सपीरियंसेस एट द हैंड्स ऑफ डिफरेंट मास्टर. ओके, जो हॉर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर उसके जो मास्टर्स हैं, मालिक हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं. तो वो जैसे जैसे अपने डिफरेंट टाइम के जो मास्टर्स हैं उनके पास वो जाता, ब्लैक ब्यूटी जो हॉर्स है वो गया, तो वहां पर उसका क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, उससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो हम किसमें रीड आउट कर सकते हैं, ब्लैक ब्यूटी. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर नंबर 30. इट्स बोरी इडियम्स. ओके, एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हूज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड. ओके, इडियम इज मुहावरे. ओके, जिसमें कि एक्चुअल जो वर्ड है, इंडिविजुअल जो वर्ड है, उनसे जो उसका मीनिंग है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, तो यहाँ पर हम कुछ इडियम्स या मुहावरे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी बॉडी पार्ट से या बॉडी से रिलेटेड इडियम्स हैं. क्लियर? So here are some idioms that use the names of our body parts, match them correctly with their meaning. Okay, in idioms में हमारे body parts को के name use किए गए हैं, तो हमें उनके correct जो meaning है उससे हमें match out करना है. Okay, so first one is give someone a hand, means help somebody. Okay, किसी को अपना हाथ देना, hand देना means help somebody, किसी की मदद करना. Live from hand to mouth means not able to fulfill basic needs. Okay, जो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, देन हम ये इडियम्स यूज करते हैं, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ. हार्ट एंड सोल मींस कंप्लीट डिवोशन. ओके, कंप्लीटली जब हम डिवोटेड होते हैं किसी थिंग के लिए, तब हम इस इडियम्स को यूज करते हैं, हार्ट एंड सोल. नाउ नेक्स्ट वन इज बी ऑन वन्स टोस मींस ऑलवेज बी एक्टिव और अलर्ट. नेक्स्ट इज विद ओपन आर्म्स मींस विद ग्रेट वार्म्थ और वेलकम. ओके, किसी का हम अच्छे से ग्रेट वेलकम करते हैं, उसका वार्म करते हैं, मींस विद ओपन आर्म, तब हम ये इडियम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बर्न वन्स फिंगर मींस सफर बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस. ओके, केयरलेसनेस की वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ना या कुछ सफर करना, उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज करते हैं, बर्न वन्स फिंगर्स. नाउ बी द बैकबोन मींस बी द मेन सपोर्ट. ओके, किसी पर भी जब हम मेन सपोर्ट बनते हैं, देन हम इस इडियम यूज करते हैं, be the backbone. Next is keep an eye on means watch carefully. Hold one's tongue means keep silent. Beats one's brain out means think very hard. And tooth and nail is idiom ko hum kab use karte hain, with all efforts or might. Okay, when we use this idiom, tooth and nail. Next is pull someone's legs means tease someone.
Now it is estimated that there are more than 25,000 idiomatic expressions in the English language, and the most famous playwright is William Shakespeare. He wrote 38 plays, and no one knows how many times they have been performed on stage since he wrote them from 400 years ago. Okay? William Shakespeare जो है वो बहुत ही famous writer है, उन्होंने 38 जो play हैं वो write की हैं, लिखी हैं, and उनके plays को कितनी बार स्टेज पर परफॉर्म किया गया है ये कोई नहीं जानता. ओके, जब से लास्ट 400 इयर्स अगो पहले उन्होंने अपने जो ये प्लेज हैं ये लिखना शुरू किया था, तब से लेकर अब तक इन प्लेज को कितने टाइम्स परफॉर्म किया जा चुका है स्टेजेस पे ये किसी को नहीं पता. क्लियर? सो हियर इज आवर चैप्टर नंबर 29 एंड 30 कंप्लीटेड. सो थैंक यू सो मच.